अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू कार मज़दा 6 2016 मॉडल। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार्स। आई बॉट इट यस्टरडे एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई विल गिव यू द होल डिटेल अबाउट दिस कार। वी विल प्रिपेयर इट फॉर आर यूज़ और देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज करते हैं। इसको मैंने बाय किया है, जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास पहले ये एलेंट्रा थी, 2012 मॉडल थी। ये गाड़ी है पिजारो, ये मैंने कंसिडरेशन में रखी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। और एज़ कम्पेयर टू दिस एलेंट्रा, मुझे जो मज़दा 6 है वो ज़्यादा पसंद आई। ये मेरी पुरानी एलेंट्रा है। तो फाइनली चैम्पियन ने भी बोला कि ये गाड़ी अच्छी है, तो मैंने इसे बाय किया। तो इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स मैंने की हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो मैट थे उनके ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़े हुए थे, वो मैंने उतरवा दिए, क्योंकि उससे जो डस्ट होती है वो गाड़ी के अंदर ही रहती है। इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं उसको चेंज करूं, और मैंने इन सारी प्लास्टिक्स को रिमूव करवाया, सीट्स रिमूव करवा के, और जिससे जो है वो इसकी लुक है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और जो डस्ट है वो आपको वाजे नज़र नहीं आती है, वो मैट में चली जाती है, और जब आप गाड़ी वॉश करवाते हैं तो गाड़ी में से वो डस्ट जो है वो थ्रू वैक्यूम क्लीनर निकल जाती है। तो ये मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर लिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको प्रेफर करते हैं कि गाड़ी की सेफ्टी होती है, कारपेट की सेफ्टी होती है, तो मैं इसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो मैंने इसको जो है वो रिमूव करवा दिया। तो रिमूव करने के बाद इसकी क्या लुक आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आप देख रहे हैं प्लास्टिक के साथ इसकी क्या लुक आ रही है। या आप देख रहे हैं ये फट गई हुई है प्लास्टिक इसकी, और ये इसका जो क्लीन एरिया है आप देख रहे हैं क्लीन होने के बाद। अब हम आगे है ये जहाँ पे हमने गाड़ी को वॉश करना है। ये एक अलसाबुन अलमाना है इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको कहते हैं शाइनी सोप। और गाड़ी हमने जो है वो प्रॉपर वॉश करवानी है, ऊपर से इंजन इसका, नीचे से सारी गाड़ी जो ओवरऑल इसकी है, जिसको हम फुल कामिल बोलते हैं यहाँ पे, वो हम इसको करवाएंगे। और इसके बाद इसकी प्रॉपर तरीके से अंदर से क्लीनिंग करवाएंगे, इसको शाइनर लगवाएंगे बाहर से। तो डिटेल में मैं आपको आज शेयर करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उसको गाड़ी को इन्होंने जो है वो स्टैंड पे होल्ड किया है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे से उसको वॉश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ये सारी गाड़ी को पहले नीचे से एक बार जो है वो पानी मारेंगे, फिर केमिकल लगाएंगे, और उसके बाद जो है वो गाड़ी के अंदर नीचे इसको जो है वो सोप लगाएंगे, और फिर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी गाड़ी को नीचे से ये पानी मारेगा बंदा, और उसके बाद जो है वो, ये बेसिकली पाकिस्तानी आदमी है इसीलिए मैं बहुत दूर से यहाँ पे आया हूँ, और इनकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जो हम जुबान होते हैं वो ज़्यादा चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सारी बातें समझाई हैं कि इसको भाई अपनी गाड़ी समझ के आपने इसको वॉश करना है, तो ये प्रॉपर तरीके से इसको वॉश करेगा। मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें दिखाता चलूँगा, और आपको एंड पे इसका इसकी प्राइस भी बताऊँगा, और एंड पे आपको इसकी प्रॉपर जो लुक आएगी वो भी आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी जो है वो फाइनली किस लुक में आती है जब हम इसको प्रॉपर सारे तरीके से वॉश करवा लेते हैं। तो ये जब यहाँ से एक्चुअली जितनी भी नीचे बहुत सारी गाड़ियों में हमने देखा है कि नीचे जो है ना वो ऑयल लीकेज होता है, समटाइम पानी से थोड़ा रस्ट हो जाता है, तो हम जो है ना उसको कभी ज़्यादा नीचे से वॉश नहीं करवाते, ऊपर से तो सारे ही करवा लेते हैं, लेकिन नीचे से भी गाड़ी को मंथ में एक बार ज़रूर वॉश करवा लिया करें। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पहले इसने नीचे इसके प्रॉपर तरीके से पानी लगाया, और उसके बाद जो है पानी से सारी मिट्टी वगैरह ऑयल वगैरह साफ़ किया, और अब इसके ऊपर ये केमिकल सोप होता है ये लगा रहा है। अब ये पूरी गाड़ी को नीचे से प्रॉपरली ये लगाएगा और कुछ देर के लिए छोड़ देगा, और जब ये छोड़ देगा उसमें ये नहीं है कि ये फ्री बैठ जाएगा, ये क्या करेगा, ये गाड़ी को थोड़ा नीचे करेगा और गाड़ी के जो टायर हैं इनके ऊपर ब्रश वगैरह मारेगा। इतने में जो है वो नीचे वाला जो साबुन है वो जो इसके नीचे लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सारी डस्ट को, सारे रस्ट को जो है वो क्लीन कर देगा, और उसके बाद फिर दोबारा ये गाड़ी को ऊपर करके इसको जो है वो वॉश करेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये इसने साबुन लगा दिया, और अब ये इसको नीचे कर रहा है गाड़ी को, ठीक है। Wow. नीचे करके ये बाद में इसके जो टायर हैं इनको क्लीन करेगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि टायरों की जो शक्ल है वो कैसी निकलती है। ये देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल नीचे आ रही है। इनकी जो सर्विस है स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छी सर्विस ये दे रहे हैं। वो आप देख रहे हैं कि गाड़ी नीचे की, और वो दूसरी साइड से जो है वो अब टायर को क्लीन कर रहा है, इस साइड पे आएगा टायर को। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे, ये नहीं है कि बस जैसे ही उसके ऊपर कपड़ा मार देते हैं। बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे कार वॉश हैं जद्दा में,
वो सिर्फ ऊपर से कपड़ा मारते हैं और ब्रश नहीं मारते हैं। ये प्रॉपर तरीके से टायर के ऊपर ब्रश भी मारेगा और जो आपका ये रिम है, अलॉय रिम है, इसको भी प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा। तो इस तरह से जो गाड़ी की लुक आएगी वो एक्स्ट्रा सुपर्ब हो जाती है। आप देखें ये यहाँ पे ब्रश जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टायर के ऊपर मार रहा है, आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये करने के बाद ये अंदर से भी जो है वो कपड़ा और ब्रश जो है ना, आपकी ये जो इनिशियल शील्ड इनर शील्ड्स होती हैं टायर के अंदर जो साउंड को कंट्रोल करती हैं, वो प्रॉपर तरीके से ये क्लीन करेगा। उनके ऊपर भी आपको पता है कीचड़ वगैरह और कुछ मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो ये प्रॉपर तरीके से उसको भी साफ़ करेगा। तो पहले इसने इसके ऊपर ब्रश मारा, ब्रश मारने के बाद जो है वो इसने दोबारा गाड़ी को उठा लिया और अब ये जो है नीचे से और सारे टायर्स को गाड़ी को वॉश करेगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है कि गाड़ी को जो है वो नीचे से जो उसकी वॉशिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। ये टायर वॉश कर रहा है, ये इनर शील्ड वॉश करेगा प्रॉपर, नीचे से सारा साबुन जो है वो क्लीन करेगा। तो इसके बाद कोई भी इसके नीचे रस्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई ऑयल नहीं मिलेगा आपको, और प्रॉपर तरीके से गाड़ी की जो चाल है वो इसमें बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। आप सोचते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका बहुत फ़ायदा है। ब्रेक शू से जो भी थोड़ा सा वो मतलब पाउडर सा जब वो स्लिप होते हैं तो एक वो पाउडर सा नीचे गिरता है कार्बन टाइप, तो वो सारा अंदर ही जम जाता है, पूरी गाड़ी के नीचे जो है वो लग जाता है। तो इससे वो भी सारा क्लीन हो जाता है और आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है रोड के ऊपर वो ज़रा एक्स्ट्रा क्लीन हो जाती है। और जब रिम के अंदर से प्रॉपर पानी को ये वॉश करते हैं नीचे से ऊपर से, तो सारी उसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है और उससे भी आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो स्मूदनेस थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से नीचे से उसने क्लीन कर दी है गाड़ी, और अब जो है वो ये गाड़ी को नीचे करेगा और गाड़ी को उसके बाद इसका इंजन वॉश करेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब गाड़ी बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो फिर ये इंजन बोनेट जो है वो ओपन करेगा और फिर इंजन को सबसे पहले जो है वो वॉश करेगा और उसके बाद फिर दोबारा पूरी गाड़ी के ऊपर जो है वो ये केमिकल सोप जो है लगाएगा और फिर उससे इसको क्लीन करेगा। तो ये सारे प्रोसीजर के अंदर जो है काफ़ी देर लग जाती है। मैं तकरीबन यहाँ पे जब आया था तो दिन था, और जब मैं गया था तो अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock मुझे हो चुके थे और मैं 5 o'clock अराउंड में आया था। 4 घंटे गाड़ी को जो है इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्लीन किया। तो ये गाड़ी अब बिल्कुल नीचे आ गई है। इसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इसका जो इंजन है वो क्लीन कैसे करेगा। तो इंजन को क्लीन करने के लिए कुछ टेक्निक भी लगानी पड़ती हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि इंजन एक बड़ा क्रिटिकल इशू होता है। तो इंजन ये इसने बोनट खोल लिया, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इसको वॉश करेंगे। पहले मैं आपको इंजन की प्रॉपर हालत बता देता हूँ कि इस वक्त क्या कंडीशन है, और जब वॉश हो जाएगा तो फिर इसकी जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी। या आप देख रहे हैं कि इंजन की जो हालत है कोई इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको, क्योंकि मैं पूरी डिटेल वॉश करवा रहा हूँ गाड़ी, तो मैंने सोचा कि इसको भी जो है वो क्लीन करवा लिया जाए। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो अपना कंप्यूटर है उसको किसी न किसी कपड़े से या किसी शॉपर से जो है उसको पहले पूरा ढक लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर पानी चला जाएगा तो गाड़ी आपकी या स्टार्ट नहीं होगी या कोई ना कोई आपको एरर देने लग जाएगी, क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ कंप्यूटराइज्ड होती हैं, जो ज़्यादातर बाहर होती हैं वो ऑटो गाड़ियाँ होती हैं, तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम जो है ये पानी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने गाड़ी जब भी वॉश करवानी है, उसका इंजन वॉश करवाना है, तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से उसका जो कंप्यूटर है उसको आपने जो है वो हाइड करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पानी से पूरे प्रॉपर बोनट को पहले अंदर से साफ़ करेगा, जो बोनट की शील्ड है जिससे आपका जो साउंड कंट्रोल होता है उसको क्लीन करेगा प्रॉपरली, और फिर इंजन के ऊपर जो है वो पानी लगाएगा। तो अब आप कहीं पे भी गाड़ी में पानी लगाएं इंजन के ऊपर तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने उसका जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी दोस्त अगर इंजन वॉश कराए तो याद रखे। उसके बाद ये पानी मारने के बाद ये प्रॉपर इसके ऊपर केमिकल सोप लगाएंगे, और केमिकल सोप लगाने के बाद इसको कुछ देर के लिए ये छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको वॉश करेंगे तो जो भी इसके ऊपर यानी कि डस्ट वगैरह होगी वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगी। अब ये देखें, साबुन के बाद उन्होंने इंजन को वॉश कर दिया, और हवा से जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं, जैसे आपका डेनमो है,
आपके टर्मिनल्स हैं बैटरी के, और जहाँ जहाँ कंप्यूटर की वायर्स हैं, जो जो फिश लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल फिश हैं, उनके ऊपर ये जो है वो एयर मारेंगे। एयर का प्रेशर इतना होता है कि फ़ौरन इससे जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, वो जगह जहाँ पर ये लगता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये आपने फॉलो करना है जब भी आपने अपने इंजन को वॉश करवाना है। उसके बाद अब गाड़ी जो है वो एक्सटर्नली वॉश होगी, इसको पहले पानी लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर साबुन लगा के इसको प्रॉपर तरीके से वॉश करेगा, और वॉश करने के बाद फिर इसकी जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट होगी एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो वो प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से इसको ये वॉश कर रहा है, और जो गाड़ी की लुक एंड पे निकलेगी वो आप देखेंगे। अब ये इसको पानी लगा दिया और इसके ऊपर ये सोप लगाएगा। पाकिस्तान में हमने देखा है कि सोप जो है वो एक बाल्टी के अंदर सर्फ वगैरह डाल के लगाते हैं, लेकिन माइट भी अब तो ये सिस्टम भी वहाँ पे आ गया है, लेकिन ये बेस्ट सिस्टम है जिससे पूरी गाड़ी जो है वो ये पहले इसके ऊपर सोप लगाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जब वो प्रॉपर तरीके से डस्ट वगैरह को रिमूव कर देता है, और फिर उसके बाद ये इसके ऊपर ग्लव्स वाला जो कपड़ा होता है वो मारते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। तो ये जो इनका सोप है, केमिकल सोप, ये बहुत ही अच्छा है। इसको आप देख रहे हैं, आपने पूरी गाड़ी को देखा है, आप जब आप इसकी एंड पे शाइन देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जो इनका जो सोप है उसके अंदर जो केमिकल है वो बहुत अच्छा है। ये इनके कुछ प्राइस लिस्ट है जिसको आप स्टॉप करके प्रॉपर रीड कर सकते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि पूरी गाड़ी को उन्होंने सोप से जो है वो भर दिया है और मज़ेदार काम हो रहा है। उसके बाद ये ग्लव्स इस बंदे ने पहने, और ग्लव्स पहनने के साथ ये पूरी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से वॉश कर रहा है। ठीक है, ये हर जगह पे हर कोने में मैं इसको जज कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर हर कोने को टच कर रहा है, कोई कोना छोड़ नहीं रहा है जहाँ पे यानी कि पॉसिबिलिटी हो कि इन्होंने साबुन नहीं लगाया है, तो प्रॉपर तरीके से इसको वॉश कर रहा है और आई एम हाईली सेटिस्फाइड। उसके बाद ये इसने छोड़ दिया और अब इसके ऊपर पानी लगाएगा, और ये पानी जब वॉश कर देगा तो आप देखिएगा गाड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा आपको शाइन नज़र आएगी। आप बिलीव करें कि ऐसी सर्विस जो है वो मैंने पूरे सऊदी अरेबिया में इन माई 8 ईयर्स मैंने नहीं देखी। ये एक नया जो है वो कार वॉश स्टेशन ओपन हुआ है, और यहाँ पे मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था तो मैं आया हूँ, और मुझे इन्होंने पहले मैं दूसरी गाड़ी लेकर आया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सेटिस्फाई किया, बहुत अच्छे से उसको वॉश किया, तो इसलिए आज फिर मैं ये नई गाड़ी भी यहीं पर लेकर आया हूँ। तो गाड़ी जो है वो मुझे बिल्कुल क्लीन रखना मेरा बहुत शौक है, मैं गाड़ी को गंदा नहीं रखता, और वैसे लोग यहाँ पे लोगों को हारिस रखे हुए हैं, लोगों ने वो इनकी गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, लेकिन मैं गाड़ी को वॉश करना प्रेफर करता हूँ। तो आप देख लें गाड़ी के अंदर जो गाड़ी की लुक है वो कैसी आ रही है, और अब आप ये देखें कि ये जहाँ जहाँ हर कोने में इस बंदे ने जो है ना वो पानी मारा है, और अच्छे तरीके से, ये नहीं है कि जस्ट अ स्टेप। अब आप ये देखें कि गाड़ी की जो लुक है, गाड़ी की जो शाइन है, उसमें एक आपको एक्स्ट्रा क्लीनिनेस नज़र आ रही है। तो चलें अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये गाड़ी यहाँ पे अब क्लीनिंग पर्पज़ के लिए आ गई है। यहाँ पे गाड़ी अभी आप दिन देख रहे हैं, पीछे रात हो जाएगी जब मैं जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर लगाएंगे। देर क्यों लगाएंगे? क्योंकि इनके जो प्रोसीजर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप है कि पूरी गाड़ी को जहाँ जहाँ इसके हर कोने खुदरे के अंदर ये जो है ना जनाब पहले मारेंगे हवा, हवा से सारा पानी जो है वो बाहर निकलेगा, और ये कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर है कि यहाँ पे पानी रुक सकता है, ये उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ से एयर के थ्रू निकाल देंगे। और ये आप देखेंगे वाइपर्स तक का जो पानी है, ताकि अगर हम फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाते हैं तो वाइपर के अंदर जो पानी होता है उससे हमारी स्क्रीन जो है वो गंदी ना हो। वो समटाइम ऐसे होता है ना कि आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो वाइपर ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं, क्योंकि जब ये वॉश क्लीन कर रहे होते हैं अंदर से तो वो जो इसके पॉइंट्स हैं वो समटाइम ऑन हो जाते हैं। तो ये आप देखें कि प्रॉपर तरीके से हर जगह से इसको जो है वो एयर के थ्रू पानी को रिमूव कर रहे हैं, गाड़ी के हैंडल्स में से, गाड़ी के पेट्रोल पॉइंट में से, ठीक है, यहाँ से भी आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से इसको क्लीन कर रहे हैं। ये मोस्टली मैंने ये देखा नहीं है कहीं पे भी इस तरीके से गाड़ी को वॉश करना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखता है। और इनकी जो प्राइस है वो ऐसा नहीं है कि अगर ये बहुत ज़्यादा सर्विस अच्छी दे रहे हैं तो आपको जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं है। प्राइस भी इनकी इकोनॉमिकल है एज़ मार्केट प्राइस है, ठीक है, लेकिन इनकी जो सर्विस है वो बहुत सुपर है। तो अब आप ये देखेंगे एयर के बाद ये प्रॉपर पूरी गाड़ी के ऊपर से पानी को रिमूव कर रहा है कपड़े के थ्रू। ये 5 टॉवल इन्होंने यूज़ किए हैं मेरे सामने, आपने भी देखा होगा कि हर काम के लिए ये टॉवल डिफरेंट यूज़ कर रहा है बंदा, और जिस तरीके से ये मतलब सफाई कर रहे हैं हर हर कोने के अंदर, इट्स माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, इनक्रेडिबल सर्विस, आई मस्ट से दैट।
तो आप ये देखें कि ये कैसे इसको तरीके से वॉश कर रहा है और तरीके से जो है वो इसको क्लीन कर रहा है, हर जगह से पानी को साफ कर रहा है, हर जगह से मिट्टी को जो है वो क्लीन कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद दिस। तो मैं बहुत क्यूरियस भी हूँ कि मैं गाड़ी को जैसे ही बाय किया है, बस ये सारे सिस्टम करवाने के लिए मैं इसको ले आया हूँ। आप ये फिर देखेंगे जो इसका ये वाला क्लोथ है ये भी चेंज है। ये 5 टॉवल्स यूज़ करते हैं, हर काम के लिए इन्होंने एक अलग टॉवल रखा हुआ है और प्रॉपर तरीके से बड़े सुकून से ये गाड़ी को जो है वो क्लीन कर रहा है। इसको कोई जल्दी नहीं है, इसको कोई प्रेशर नहीं है कि इसने एक गाड़ी पकड़ी, इसी बंदे ने आपने देखा है शुरू से लेके एंड तक यही मेरी गाड़ी जो है वो क्लीन कर रहा है और इसी ने सारा कुछ करना है। अब ये शीशों के ऊपर जो है वो ग्लिंट लगा रहे हैं जो स्पेशली शीशों की शाइन के लिए है, और इसके लिए भी आपने देखा है कि इसने जो कपड़ा यूज़ किया हुआ है वो डिफरेंट है, वो पहले वाले कपड़ों वाला नहीं है। तो अराउंड ये 4th टॉवल है जो यूज़ कर रहा है, ये स्पेशलाइज्ड टॉवल है इनके पास और प्रॉपर तरीके से इनको इन्होंने जो है ना इसको मेंटेन किया है अपने कार वॉश स्टेशन को। तो आई एम हाईली सेटिस्फाइड एंड हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद आप ये देखेंगे एक्सटर्नल जो आपकी स्क्रीन है उसको भी ये इसी टॉवल से क्लीन कर रहा है। बेसिकली ये जो टॉवल इन्होंने रखा है ये शाइन के लिए है, ग्लास शाइन के लिए। तो ये सारे इनके स्पेशलाइज्ड टॉवल ही हैं। मैंने इनसे बात की थी और सारा पूछा, मैं गपशप करता क्योंकि खड़ा था तो मैं गपशप इनसे करता रहा, तो मैंने सारी चीज़ें जब पूछी तो मुझे ये सारी बातें मुझे इन्होंने ही बताई थी। तो इनकी जो सर्विस है आप देख रहे हैं, और मैं फिर कहूँगा कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। उसके बाद आप ये देखें कि ये गाड़ी में अंदर बैठ के गाड़ी की जो रियर स्क्रीन है उसको भी अंदर से साफ़ कर रहा है। जो समटाइम बच्चे होते हैं अंदर गाड़ी में तो वो पीछे गाड़ी की स्क्रीन को हाथ लगाते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं। तो गाड़ी के पीछे काफ़ी फिंगरप्रिंट्स थे जब मैं इसको देखता था शीशे में, रियर स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ना वो लाइक स्टेन्स नज़र आते थे। तो मैंने उसको बोला कि आप इसको पीछे से भी भाई रिमूव करो, तो ऑलरेडी ही सेड के यार यस मैं सारी गाड़ी करूँगा। तो ये इसका एक इनर व्यू है गाड़ी का, आप देखें अंदर से बिल्कुल क्लीन होने के बाद ये गाड़ी की लुक आई है। और आपको मैंने मैट भी दिखाए कि मैट के ऊपर से जो मैंने वो प्लास्टिक रिमूव की है अब उसकी लुक जो है वो बड़ी डिफरेंट आ रही है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद गाड़ी की बैक साइड पे आ जाएं, ये गाड़ी की रियर सीट्स हैं और ये कारपेट आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक नहीं ये कारपेट हो गया। अब तो ये मुझे ज़्यादा अपील करता है, मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड भी करता हूँ और लाइक भी करता हूँ। तो ये गाड़ी का बैक से फ्रंट व्यू है जिसको आप देख रहे हैं कि बहुत ही नीट एंड क्लीन इन्होंने इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन किया है और बड़ा मज़ेदार काम किया है गाड़ी में, जो है ना गाड़ी को देख के मज़ा आ रहा है। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने गाड़ी की ली हैं एंड पे, गाड़ी बिल्कुल जब वॉश हो गई तो ये इसकी फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, गाड़ी के जो मतलब सारे एरियाज हैं इनको अच्छे से वॉश किया गया। ये गाड़ी का इंटीरियर है, यहाँ आप देखें। उसके बाद मैं मतलब एक चीज़ और कहूँगा कि जब भी आप गाड़ी को वॉश करवाएं तो 10-15 रियाल आप ना देखें, आप सर्विस देखें। तो आपको अगर एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी कार वॉश और आपकी गाड़ी जो है उसकी लुक 100% चेंज कर रहा है तो आप ज़रूर उसी को चूज़ करें। ये शॉप का नाम आप याद रखें, ये बवादी के अंदर है और बहुत अच्छा है। उसके बाद लेट्स गो, अब हम चलते हैं और गाड़ी का जो सारा मामला है वो ओके हो गया और मैं अब निकल गया हूँ। यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, कुछ दोस्त वेट कर रहे हैं, उनसे मैं कांटेक्ट में था तो पहले मैं उनके पास जाऊँगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको गाड़ी का इनर रिव्यू भी एक दूँगा कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि एलेंट्रा में नहीं थी। तो एलेंट्रा जो है वो एक अच्छी गाड़ी है, मार्केट की बहुत हॉट केक है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं गाड़ियाँ चेंज करता रहता हूँ, मुझे गाड़ियों का थोड़ा शौक है। तो ये गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इसकी जो प्राइस है गाड़ी की वो टोटल कॉस्ट मुझे की है अराउंड 42,000 रियाल। तो 42,000 रियाल में मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं जो कि मैं एलेंट्रा में अगर इंस्टॉल करता तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं होना था। आप ये देखें, ये इसका इंटीरियर है, ये इसका पुश स्टार्ट बटन है जहाँ से आप गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको भी स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। ये गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया है और गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई लाइट जो है वो मीटर के अंदर ऑन नहीं है,
फॉर एग्जांपल कोई अगर इंजन की लाइट है या एयरबैग की है, वो इसमें कोई लाइट ऑन नहीं है। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो नहायत ही खूबसूरत है, क्योंकि फुल ब्लैक इंटीरियर है और मुझे ये बहुत ज़्यादा अपील करता है। गाड़ी की जो कंडीशन है ओवरऑल वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही नीट है। तो इस वजह से जो है वो मेरा जो है इसके अंदर बड़ा दिल लगता है इस गाड़ी में। ये इसका गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पे इसको दिया गया है, और ये सेंटर में इसका मोनोग्राम है, और उसके बाद ये इसका मीडिया कंट्रोल यहाँ से आपको दिया गया है, और ये गाड़ी की जो स्पीडोमीटर है इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और इसके RPM आप देखें, इसका जो स्पीडोमीटर है वो 260 है। उसके बाद ये गाड़ी का साइड व्यू था। अब हम आ जाते हैं ये गाड़ी के कुछ डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जहाँ पे आपको AC विंड्स मिलते हैं, ठीक है। ये गाड़ी के अंदर मैंने खुद इंस्टॉल किया है गाड़ी का जो मोबाइल होल्डर है, और इसको मैंने बड़ा फाइंड किया है, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है ताकि ये इंटीरियर के साथ मैच कर जाए। इसको मैंने ग्रिल के अंदर फिक्स किया है, ये रिमूवेबल है, ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ से फिक्स किया हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे ये गाड़ी के अंदर ये AC है, ठीक है। आप AC को यहाँ से टर्न ऑन करते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं आपके पास गाड़ी के, ठीक है, वो जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होते हैं फॉगर डीफॉगर के। और उसके बाद ये गाड़ी का गियर है, गियर में आपके पास ये इसके 6-speed गियर हैं, और पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल भी ये प्रॉपरली आप चला सकते हैं। इसमें स्पोर्ट मोड भी है, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। और इसकी जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक, वो इलेक्ट्रिक है, और इसके साथ ही आपको मीडिया कंट्रोल आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ से आप जो सॉन्ग्स हैं वो आगे पीछे भी कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये गाड़ी की जो एक स्पेस है जहाँ पे आप कंपार्टमेंट आपको दिया है, आप चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये गाड़ी का ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ अंदर से। उसके बाद ये कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे आप दो कप इजीली जो है वो होल्ड कर सकते हैं। और गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं तो आपको जो फील है वो मज़दा 6 से ऊपर किसी गाड़ी की आती है, यानी कि मैं सोचता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी जो है वो सिस्टम दिए गए हैं, जिसको आप प्रॉपर तरीके से इंजॉय करते हैं। और ये कोई ऐसी इतनी प्राइस में आपको जो गाड़ी, फॉर एग्जांपल आप एक्सेंट लेते हैं, एलेंट्रा लेते हैं, ये इससे फार बियॉन्ड उन गाड़ियों से ये अच्छी गाड़ी है। इसकी जो रोड ग्रिप है बहुत अच्छी है। तो गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत आला है, बहुत खूबसूरत है। और ये गाड़ी का स्पोर्ट मोड है, इसको अगर आप चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी लगाया है, तो आपको देखें वो आपके पास स्पोर्ट मोड ऑन हो गया है। इसके ऊपर गाड़ी की जो पिक है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और लेकिन ये भी है कि गाड़ी अगर पिक लेती है तो फिर गाड़ी फ्यूल भी बहुत ज़्यादा लेती है, ठीक है जी। और ये सारी बातचीत है, ये गाड़ी का जो है वो डैशबोर्ड है, जहाँ पे आप टिशू वगैरह या कोई भी चीज़ अपनी रख सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। ये भी एक आपको एक कंपार्टमेंट टाइप मिल जाता है, कोई भी ना कोई चीज़ स्टोर करने के लिए। उसके बाद आप ये देखें कि ये बैक व्यू में आपको दिखाता हूँ, गाड़ी की जो सीट्स हैं बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अनयूज्ड हैं, ठीक है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई हुई है, लेकिन गाड़ी की जो ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा है। ये इसका ग्लासेस कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आप ग्लासेस अपनी वो रख सकते हैं। और जो गाड़ी की ड्राइव है वो मोर देन 300,000 किलोमीटर हुई हुई है, क्योंकि ये लॉन्ग रूट पे गाड़ी चली है, जिनसे मैंने ली है वो भी लॉन्ग रूट पे गाड़ी को चलाते रहे। उसके बाद गाड़ी का जो ये LED है, इसमें मैं आपको कुछ फंक्शंस बताता हूँ। एक तो ये बिल्कुल जो है वो HD है, ठीक है। ये बैक गियर पे आपको बैक कैमरा मिल जाता है इसके अंदर, और ये HD कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और मोर ओवर इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी है, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि अगर आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो आप इसको टर्न ऑन करके अपने फ्रंट कैमरे से भी हर चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मीडिया कंट्रोल है, इसमें आप फॉर एग्जांपल ये मैंने होम बटन को किया तो ये जो स्क्रीन है आपकी ये होम पे आ जाएगी। और उसके बाद ये आप इसके अंदर वीडियो गाने हैं, रेडियो है, यूट्यूब है, ठीक है। आप इसके अंदर किसी तरीके नेविगेशन है, कार प्ले है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो इस LED में आपको मिल जाते हैं, जो कि सुपर डुपर हैं। नॉर्मली आप अगर कोई किसी गाड़ी के अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे 42,000 में जो है वो अराउंड आराम से जो है वो अवेलेबल हो गई हैं, और आई एम मोर देन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस कार, ठीक है जी।
तो ये आप देखें कि गाने में चला रहा हूँ तो यहाँ से आप इसको स्विच करें तो गाने जो है वो चेंज होते जाएंगे। वॉल्यूम को भी आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ से भी आप, ये क्रूज़ कंट्रोल है फॉर एग्जांपल, इसको आप ऑन करें तो वो आपको नज़र आ रहा है क्रूज़ ऑन हो गया। और अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डाउन कर दें, ऑफ़ भी कर सकते हैं तो सेट हो जाएगा, कैंसिल, रीसेट, ये सारे फंक्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद आपने ये देखा कि ये गाड़ी को म्यूट करना है, ये मीडिया कंट्रोल है, गाने आगे पीछे करने हैं तो यहाँ से भी जो है वो इसको आप प्रॉपरली कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी एक्सेस है। तो तीन जगह पे आपको ये एक्सेस मिल जाती है। ये इन्फॉर्मेशन है, आप ये चेंज करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि गाड़ी इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना गाड़ी चल सकती है, कितना गाड़ी फ्यूल ले रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये गाड़ी का जो हॉर्न है वो बहुत अच्छा है, गाड़ी का जो हॉर्न सिस्टम है वो मैंने देखा है कि एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स वेरी गुड। तो ये एक फाइनल लुक है गाड़ी की, जिसको आप देखें और उसके बाद अपना कमेंट में अपना रिव्यू बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको जो सर्विस थी गैस स्टेशन की वो कैसी लगी। आई होप यू लाइक इट एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ स्टे विद अस। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वैसे तो मैं टीचर हूँ, बिज़नेस टीचर हूँ, लेकिन गाड़ियाँ मेरा शौक है, इसीलिए मैं इसका जो व्लॉग है वो इसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।